द डार्क मोड। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल गिल्स प्राइम पे एक रेगुलर व्यूअर हो यानी कि मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मैं डार्क मोड पर जो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस जो है बना चुका हूँ कि आप कैसे पर्टिकुलर किसी ऐप में जो है डार्क मोड कैसे अनेबल कर सकते हो, उसका प्लेलिस्ट भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने ऑफिशियल गूगल क्रोम में जो है डार्क मोड एनेबल कर सकते हो। वैसे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बट वो एक इतना खुली वे नहीं था एक डार्क मोड एनेबल करना गूगल क्रोम में, बट आप जो है अब बाय डिफॉल्ट इसे इनेबल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे करना है आपको इसे इनेबल, बिकॉज ये हिडन है ये फीचर। पर उससे पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, देन प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये है मेरे डिवाइस यानी कि मैक्स प्रो M2 में गूगल क्रोम इंस्टॉल है। तो यहाँ पर अभी आप वैसे तो देख ही चुके हो पीछे कि जो है काफी सारी वेबसाइट वगैरह जो है मैंने ऑलरेडी रन करके दिखा दी आपको जो डार्क मोड में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको थ्री डॉट आइकन पे टैप करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सेटिंग और यहाँ पर अबाउट क्रोम, बिकॉज आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो है क्रोम का वर्जन 74.03 ये है कि नहीं है, बिकॉज अभी प्ले स्टोर पर जो क्रोम का अपडेट अवेलेबल है वो 73 है और जो 73 है वो डार्क मोड जो है सपोर्ट नहीं करता है ऑफिशियली। तो आपको ये क्रोम जो है थर्ड पार्टी डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे कि APK मिरर जैसी वेबसाइट से। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जो है URL में सर्च करना है Chrome/flags ये वाला URL, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये मैंने किया इसे ओपन और आपको यहाँ पर सर्च फ्लैग में सिंपली टाइप करना है डार्क। तो ये मैंने किया डार्क मोड सर्च। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, एंड्रॉइड क्रोम UI डार्क मोड, एंड्रॉइड वेब कंटेंट डार्क मोड। तो वैसे तो आपको जो है क्रोम UI डार्क मोड जो एनेबल करना है, बट मैंने यहाँ पर जो दोनों ही एनेबल किया उसके बाद ये वर्क करा, तो आप इसे दोनों ही को जो है अनेबल कर लीजिए। बस उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इसे एनेबल करना और करना है रीलॉन्च। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस और करना है। आपको इस थ्री डॉट आइकन पे जो है अगेन टैप करना है अंडर सेटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अब नया ऑप्शन मिल चुका है, वो है डार्क मोड। जस्ट इसे एनेबल कीजिए, दैट्स इट। जो डार्क मोड है अब आपके गूगल क्रोम में जो है फाइनली एनेबल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन केस अगर डार्क मोड एनेबल करने के बाद भी वर्क नहीं करता या एनेबल नहीं होता, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार अपने डिवाइस जो है रिस्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो रिस्टार्ट करने के बाद ये प्रोसेस हो गया था अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आप जो ऑफिशियली ओरिजिनल गूगल क्रोम में जो है डार्क मोड एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो जानकारी कैसी लगी, अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।